तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 कि इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 13/2 sorry 13/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin θ - 3 cos θ एंड अपॉन 4 sin θ - 9 cos θ। सो देखो ये हमें गिवन है कि cos थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब देखो cos थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ये कोई ट्रायंगल होगा जिसमें एंगल होगा दिस थीटा एंड परपेंडिकुलर होगा 12 एंड बेस नहीं पता एंड हाइपोटेनियस है 12। ठीक है, सॉरी हाइपोटेनियस है 13। ठीक है, सो बेस हम निकाल सकते हैं, तो बेस इक्वल टू होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 - 144। तो b इक्वल टू बी गेट अंडर रूट 25 डेट इज 5 यूनिट। ठीक है, सो बेस अपने पास आ गया 5। सो अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, सो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट विल बी 12/13 सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये हो जाएगा 12/13 एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस है 5 एंड हाइपोटेनियस है 13। ठीक है, सो ये आ जाएगा 5/13। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये है अपने पास 2 sin θ - 3 cos θ अपॉन 4 sin θ - 9 cos θ। तो ठीक है, अब देखो ये है 2 into sin θ की जगह हम पुट करेंगे 12/13, सो ये हो जाएगा 12/13 माइनस 3 into cos θ एंड cos थीटा की वैल्यू है 5/13 अपॉन 4 sin θ, सो ये आ जाएगा 4 into sin θ एंड sin थीटा की वैल्यू है 12/13 एंड माइनस 9 into cos θ। तो cos थीटा इक्वल टू है 5/13। ठीक है, सो ये अपने पास आ जाएगा, देखो 12 into 2 = 24, सो ये हो जाएगा 24 एंड 3 into 5 ये आ जाएगा 15। ठीक है, सो 24 - 15/13 एंड होल अपॉन दिस 12 into 4 होगा 48 माइनस 9 into 5 = 45/13। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट 24 - 15 सो ये आ जाएगा अपने पास 9। ठीक है, सो ये आ जाएगा अपने पास 9 एंड ये हो जाएगा 48 - 45 सो ये आ जाएगा 3। ठीक है, सो 9 से 3 कैंसिल किया 3 टाइम्स, सो अपने पास आंसर आया 3।